हेलो स्टूडेंट्स लेट अस सी थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है क्या तो इसका स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स कह रहा है प्रत्येक कंपोजिट नंबर जो है वो अपने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है देखो कैसे तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिया है तो देखिए टू हंड्रेड फोर्टी ये आपका पहला एग्जाम्पल है टू हंड्रेड फोर्टी और टू हंड्रेड फोर्टी का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो मिलता क्या है टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव देखिए ये प्राइम नंबर है क्योंकि टू भी प्राइम नंबर होता है थ्री भी प्राइम नंबर है फाइव भी प्राइम नंबर है तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है टू हंड्रेड फोर्टी क्या है कंपोजिट नंबर है वही कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स तो 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालना जानते हैं जैसे आप एल निकालते हैं वैसे ही आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 240 का प्राइम फैक्टर क्या होता है टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव से देखिए टू तो कितनी बार आया है चार बार ठीक है टू तो फोर बार आया है तो ये हो गया टू टू द पावर फोर इंटू थ्री वन टाइम है तो इंटू थ्री इंटू फाइव यही है प्रत्येक कंपोजिट नंबर को उसकी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन आपका पूछता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है तो आप लिख देंगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लिया गया है ध्यान से देखिए 140, 140 का जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सेवन देखिए टू टू जो फोर फोर फाइव ट्वेंटी और ट्वेंटी सेवन जो वन हंड्रेड तो ये टू भी प्राइम नंबर है फाइव भी प्राइम नंबर है सेवन भी प्राइम नंबर है अब इसको पावर के रूप में लिखते हैं टू है टू टाइम्स टू 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 पावर टू या टू स्क्वायर इंटू फाइव इंटू सेवन तो यही आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रेथमेटिक ओके थैंक यू